والسلام على من لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما وأملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हर किस्म की हम्द सना अल्लाह कमुल हाकिमीन की ذات बाबरकात के लिए है जो हम सब का खालिक मालिक राजिक दाता गुणबख्श है, मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला, फ़ालुल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन कदीर की ताकतों का मालिक है। अनगिनत तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुल्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए जो साकी कौसर शाफ़ी महशियर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत और बख्शिश की दुआएं सहाबाए कराम ताबईन निज़ाम फ़ुकहाए दीन आइम्मा दीन और क़यामत तक आने वाले मुवाहिद मुसलमानों के लिए। हज़रात ज़ीबकार, आज आपके सामने खुतबा जुम्मतुल मुबारक के मुख्तसर वक़्त में वो चंद नसीहतें आपके सामने बयान करूँगा जो किसी मौका पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अरशाद फरमाई थी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही जलीलुल कदर सहाबी रसूल है, फिक्र व फाका इनका मशहूर है अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो फारी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ईमान लाने वालों में से भी ये साबिकून में से है कि जिन्होंने पहलो के अंदर शमूलियत इख्तियार की है कि जो लोग ईमान लाए हैं उस वक़्त के जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत का बिल्कुल आगाज़ था और उस वक़्त के हालात जो थे वो भी जानलेवा थे। अगर कोई पूछता भी इस्लाम के बारे में या रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो लोग उसको साबी कहना शुरू कर देते थे कि ये बेदीन हो गया, सिर्फ नाम लेता था, ये नहीं पता कि ये उनको मिलने के लिए आया है, किस वजह से आया है, क्यों आया है, मकासिद क्या है। बस किसी ने उनका पूछा तो वो बेदीन करार दे दिया गया। ये हालात थे और फिर यहां बस नहीं थी, बगैर पूछे मकसद का पूछे उसको कत्ल भी किया जा सकता था, वो जान से भी हाथ अपने के धो बैठता, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्कान उस वक़्त रहता था। शुरू के जो हालात थे, इनका जो कबीला था सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का, वो मक्का वालों की जो तजारत की राहगाह थी, गुजरगाह थी शाम की तरफ, वो उसके दरमियान में पड़ता था। गुजर बसर बिन का कबीले का इन्हीं की आमदनी से होता था कि जो लोग रस्ते से गुजरते तो वह यहाँ पर स्टे करते तो पैसा खर्च करते तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लूट भी लिया करते थे इस कबीले के लोग उन लोगों को। तो ये बड़ी मेन गुजरगाह में रहते थे तो इनके कान में बात पड़ती है कि मक्का के अंदर एक शख्स ने जो है इलाने नबूवत किया है। मक्का में एक बंदे ने, एक शख्स ने कहा है कि मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं वो बिशारत हूँ जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने दी थी।
मैं वही पैगंबर वही रसूल हूँ, वही अल्लाह का प्यारा पैगाम रसा हूँ। जब इनको पता चला तो इन्होंने अपने भाई को भेजा अनीस को कि जाओ हालात वाकयात का जायजा लेकर के आओ। भाई आते हैं, वापिस चले जाते हैं, पूछते हैं तो वो बताते हैं कि बड़ी ही मशहूर गुन गुफ्तगू करने वाले हैं वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक किया सिखाते हैं, अच्छे अच्छे अखलाक दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं और करने का भी कहते हैं, यही उनकी तालीमात है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई, मैं खुद जाऊँगा, तू मेरे घर वालों का जो है वो ख्याल करना। अगले ही दिन ज़ादे रात थोड़ा सा लिया और चल पड़ते हैं। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँच जाते हैं मक्का के अंदर। अब मक्का के अंदर जब दाखिल होते हैं, किसी से भी पूछते नहीं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना किधर है। हालात बुल खतर है, इनको इस चीज का पता था, किसी से नहीं पूछते। एक दिन ऐसा आया कि रात को मस्जिद के ही सहन में, बैतुल्लाह के सहन में ही लेट जाते हैं। रात का वक़्त है, अंधेरा छाए जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको देखते हैं और पूछते हैं कि तुम मुसाफिर है, राहगीर है, आना तो आज मेरे घर के अंदर आ जा, एक रात उधर ठहर जाते हैं। वो नहीं पूछते कि किधर से आए हो, क्या करने आए हो। फिर अगला दिन हुआ, सुबह को निकले, बैतुल्लाह के सहन में चले जाते हैं, सारा दिन गुजारते हैं, किसी से पूछते भी नहीं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, और आपको पता भी नहीं है कि वो कौन है, चेहरे से भी पहचान नहीं सकते। अजीज दोस्तों, अगला दिन आता है, फिर रात को वही हालात। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले जाते हैं अपने घर के अंदर, मेहमान नवाजी करते हैं। गुजरते गुजरते तीसरी रात भी आ जाती है, फिर कहते हैं कि हाँ भाई आने वाले, आज तो बता क्यों आया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं पहले मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे नहीं। वो भी तो नहीं जानते थे ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, तो बताओगे तो नहीं। डर तो था, हालात का डर था कि जब नाम लिया नहीं और लोग जो हैं वो पकड़ कर मारना शुरू कर देंगे। सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि वादा करो, जो मैं तुमसे गुफ्तगू करूँगा किसी को बताना नहीं, पता नहीं चलने पाना चाहिए। हज़रत अली उनसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आया हूँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है, जिन्होंने मक्के के अंदर नबूवत का दावा किया है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अली उल मुर्तजा फरमाते हैं हालात बड़े नासाज हैं, मेरे पीछे पीछे चलते आना, जिस घर के अंदर मैं दाखिल हो जाऊंगा वहीं आप भी दाखिल हो जाना, लेकिन अगर मुझे खतरा हुआ कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं बैठ जाऊंगा, तू गुजर जाना, क्योंकि पता ना चले कि इसके पीछे जा रहा है, पता ना चलने पाए। आप दाखिल हो जाते हैं, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ हाजिर होते हैं, दरे अकदस पर तशरीफ लाते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, पूछते हैं, बताते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया कि हाँ मैं ही वो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग साबी कहते हैं, और अल्लाह ने मुझे अपना रसूल
और चनीदा बना करके भेजा है। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल लजीन इस्तफा, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है और सलामती है अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए। मैं वही चुनीदा हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्तादा हूं। आप फरमाते हैं कि हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो जाते हैं। अब कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सारे मक्के के अंदर ऐलान कर चलूं कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। आप रोकते हैं कि अबू ज़र हालात ऐसे नहीं है, ना करना ऐलान, अभी छुपा के रखो। लेकिन कहते हैं कि नहीं, मेरी तो ये ख्वाहिश बन गई है कि मैं कह करके छोड़ूंगा। अब मक्के के अंदर निकलते हैं, बैतुल्ला के अंदर मुशरिकीन और कुफार बैठे हैं अपनी मजलिसें लगाकर। वहां पर जा कर के कहते हैं, इन्नी अशहदु अल्ला इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओ कायनात के लोगों, में गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई मस्जूद नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे भी हैं, उसके रसूल भी हैं। इतना कहा तो बस भाई, वो सारा जो टोला बैठा था, किसी ने हड्डी पकड़ी, किसी ने पत्थर पकड़े हैं, हदीस के अल्फाज हैं, फिर मार मार करके ऐसा कर छोड़ा कि उस वक्त ना रिवाज था, जब जानवर ज़िबा करते तो खून जो है ना बुतों के ऊपर फेंक देते थे। कहते हैं मैं वैसा बुत ही नजर आ रहा था कि जैसे हर तरफ से खून ही खून है, मैं पड़ा हुआ हूं। फिर मैं तकरीबन 15 दिन जो है बैतुल्ला के गुलाफों के अंदर छुपा रहा हूं, पानी अबे जमजम का बस पीता था और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस जानसार को भेजा कि अब जाइए, जब हालात साजगार होंगे फिर वापस आ जाना। कुछ इन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से तालीमात सीखी, कुरान भी कुछ सीख लिया, अब अपने इलाके में चले जाते हैं। जाकर के अपने बायनीस को बतलाते हैं कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ। वो कहते हैं कि तू हो गया तो मैं भी मुसलमान हूँ। इनकी बीवी कहती है कि मैं भी इस्लाम की दौलत से माला माल हूँ, बहुत सारे इसके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ने कहा कि हम तो खुद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, फिर इस्लाम कबूल करेंगे। अजीज दोस्तों, ये फिर मुबल्लिग बने, अपने इलाके में तबलीग करते रहे लोगों को। बहुत सारे लोगों ने इनके हाथ पर इस्लाम भी कबूल किया है। अब वक्त गुजरता गया, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तैयबा हिजरत कर चुके हैं, फिर ये भी वहाँ पर ही चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्त भाइयो, अल्लाह के ये जो प्यारे पैगंबर के साथी हैं, हर वक्त फिक्रो फाके में रहना ही पसंद किया करते थे। कहते थे ज़कात देने से तो कोई मोमिन क्या बनेगा, वो तो अल्लाह ने फर्ज की हुई है। घर के अंदर जो भी है सारे का सारा अल्लाह के रस्ते में खर्च ही कर दिया करते थे, फकर पसंद किया करते थे। मशहूर है अबू ज़र का फकर, अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु फकर की वजह से मशहूर हैं। अब इनके पास अगर कोई बेच देता कोई चीज तो कहते कि भाई हमें नहीं जरूरत, ये आप अपने इलाके के। एक दफा शाम के किसी गवर्नर ने इनको ना कुछ दिनार भेजे 1000 के करीब, इन्होंने वापस उसी तरह कर दिए कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, अपने इलाके के अंदर कोई मुझसे ज़्यादा फ़कीर ढूंढो, उसको दे दो। ये फ़कर था
इन सैयदना अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का। आपने किसी वक्त कहा था कि तू इस्लाम कबूल करने भी अकेला आया है, रहेगा भी तू अकेला ही, और जब फौत होगा तो उस वक्त भी तू अकेला ही होगा। ये फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाना में मदीना रहे, आपके बाद सैयदना फारूक आजम के जमाना में भी मदीना तैयबा ही तशरीफ रखी इन्होंने, और उसके बाद देखा कि जब हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना मुबारक आता है तो लोगों के हालात, मदीने के जो हालात है वो फिक्र फाका वो ख़त्म हो चुका है, अमीराना अंदाज है, शाहाना अंदाज है लोगों के, और जो नबी सलाम के ज़माना के अंदर फिक्र फाका था वो ख़त्म हो चुका, और आपने वो इलाका ही छोड़ दिया कि अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं। अजीज दोस्तों भाइयों, सैयद अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि औसानी खलीली, मुझे मेरे दोस्त मेरे यार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात बातें बतलाई थी, वसीयतें की थी। वो वसीयतें क्या हैं? फरमाया मरनी النبي صلى الله عليه وسلم حب المساكين, मेरे महबूब मदनिया का करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मस्कीनों के साथ मोहब्बत करनी है, मस्कीनों के साथ प्यार करना है, मसकीन का ख्याल करना है। ये ना हो कि मसकीन जो है वो तेरे इलाके में हो तो उनको कोई पूछने वाला ना हो, या कभी तू उनकी राह ना तके, कभी उनके दरवाजे पर ही ना जाए, कभी उनसे जा कर के पूछे ही ना कि कैसा गुजर बसर हो रहा है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين। और जन्नत और जहन्नमियों के दरमियान अल्लाह का कुरान कहता है जब मुकालमा होगा, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके हैं, उस वक्त पूछेंगे जहन्नमियों को जन्नती मा सलककुम फी सकर قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين। रब्बे कायनात ने फरमाया उस वक्त जहन्नमी कहेंगे हम जहन्नम में सिर्फ इस वजह से आए हैं, एक तो नमाज की पाबंदी नहीं किया करते थे, नमाज से दूरी इख्तियार करते थे, जब भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हमारे कानों के अंदर बोझ महसूस होने लग जाता था। मेरे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह का बुलावा आता तो हम आया ही नहीं करया करते थे, हम नहीं आते थे, हम नहीं झुकते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। यही वजह है कि हमें आज जहन्नम के अंदर आना बन गया है, यही सबब यही वजह है। और दूसरे नंबर पर قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, हमने कभी मिसकीनों को पूछा ही नहीं। मोहल्ले में बस्ती में मसाकीन की भरमार थी, अल्लाह ने सब कुछ तो दिया था, लेकिन कभी हमने पूछा ही नहीं जाकर के किसी मिसकीन को, भाई क्या हाल है तेरा, कैसी गुजर बसर हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ना अपने बंदे से फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझसे खाना मांगा तूने दिया ही नहीं, मैंने तुझसे पानी पीने का सवाल किया था पानी पिला दे तूने पिलाया नहीं, कपड़ों का पूछा था नहीं दिए तूने। अल्लाह तेरी शान के लायक ही नहीं है कि तू मुझसे मांगता, मैं तो तुझसे मांग मांग करके खाता पीता रहा हूँ, पहनता रहा हूँ, तो तू तो आया ही नहीं मेरे पास। फिर अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फलां बंदा नहीं आया था तेरे पास,
वो फला मिस्कीन फला यतीम वो आया था कि नहीं? फरमाया आया था अल्लाह, वो तो आया था, उसको तो वाकई नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाएंगे बस फिर वो मैं ही आया था, ये मेरा ही तो हुक्म था ना, मसाकीन के साथ प्यार करो, मोहब्बत करो, उनकी देखभाल करो, उनको पूछ लिया करो कभी ना कभी। पूछा ना जो है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि पूछेंगे तो इंशाल्लाह नजात का सबब बन जाएगा। अगर ना पूछा और ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं ना, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीनहुम युराउन वयमनाउनल मौत, के मुनाफिक की इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह ने निशानियां बयान फरमाई है, नमाज भी नहीं पढ़ता, दिखावा भी करता है, भूखों को खाना भी नहीं खिलाता, यतीम को भी घूरता ही रहता है, धक्के ही देता है, समझता है कि इसका और मेरा कौन सा स्टेटस बराबर है, ये तो मेरे मयार का ही नहीं है, तो धक्के देता है। जो ऐसा करता है वो मुनाफिक है। वयमनाउनल माउन, और ज़रूरत की चीज़ें भी रोक के रखता है। ज़रूरत से ज़्यादा दिया था अल्लाह ने कि भाई इसको किसी और के भी काम लगा देना, उसको भी अल्लाह दे सकते थे, लेकिन ये नेकी आपसे करवाना चाहता था तुम्हारा रब, और तुमने नहीं की, इसलिए फरमाया कि आज हम जहन्नम के अंदर आए हैं, वजह बस और यही है, इसके सिवा कोई नहीं है। कि माल अल्लाह ने कसीर दिया था, हमने उसको स्टोरों के अंदर, बैंकों के अंदर बस जमा करवा के रखा है कि किसी की जो है गरीब की नज़र भी ना पड़ने पाए। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने, मेरे खलील ने मुझे हुक्म दिया था कि हुब्बुल मसाकीन, मसाकीन का ख्याल करना, मसाकीन के साथ मोहब्बत करना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मुझे जो है तुम गरीबों के अंदर तलाश कर लिया करो। आप दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा ही मिस्कीन हुआ मितनी मिस्कीना, कि अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मिस्कीनी की हालत में रखना, और जब मैं दुनिया से जाऊँ तो उस वक़्त भी मेरा जो है मिस्कीनी का ही हाल हो। वहशुरनी अला ज़ुमरतिल मसाकीन, और जब मैं उठूँ कल क़यामत को तो उस वक़्त भी मेरा जो हशर है, इकट्ठ होना है, वो मसाकीन की जमात के साथ कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, बेवाओं के साथ। आइए मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, ये ख्याल करना हमारा फ़र्ज है, दीनी ज़रूरत भी है, दुनियावी ज़रूरियात में से भी है, और अखलाकी तौर पर भी ये करना जो है वो ज़रूरी है और फ़र्ज है। फिर फरमाया कि मुझे मेरे महबूब ने दूसरी वसीयत की, हुक्म दिया कि हमेशा अपने से कम दर्जे वाले को देखना, हमेशा अपने से कम दर्जे वाले को देखना। मेरे अजीज दोस्तों, हिकमत की बड़ी बात है, जब तुम अपने से ऊपर के दर्जे वालों को देखोगे फिर तुम अल्लाह की नशुकरी कर बैठोगे, नशुकरे बन जाओगे, फिर कहोगे अल्लाह मेरे में कमी कौन सी थी कि जो तूने इसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया, ये नशुकरी हो जाएगी। और अल्लाह फरमाते हैं जब नशुकरी करोगे तो फिर जो दिया है वो भी छीन लूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। सब्र करोगे बढ़ जाएगा, शुक्र करोगे बढ़ जाएगा, नशुकरी और बेसब्री का मुजाहरा होगा तो फिर सारा कुछ छीन जाएगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर कोई इबादत में आगे है, इलम के अंदर आगे है, तो फिर ऊपर वाले को देखिए। दुनियादारी में देखना है तो नीचे वाले को देखिए कि जो मेरे से नीचे है, मेरे पास अगर अल्लाह ने कार दी है तो कितने लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं हैं, उनको देखो। अगर मोटरसाइकिल पर आते जाते हो तो अल्लाह का शुक्र करो कि कईयों के पास साइकिल्स भी नहीं हैं, साइकिलें हैं, तुम पैदल जाते हो। तो फिर माजूरों का हाल देख लो जिनके पास तो दो टांगे भी नहीं हैं, दो पैर भी नहीं हैं, एक के सहारे चलते हैं, एक बिसाखी पकड़ी है, कोई डंडा सोटी पकड़ के चल रहा है। तो उनको देखो, हमेशा सब्र करना,
अपने से नीचे वाले को देखना, ये भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देनाई से बरी हुई वसीयत थी हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर फरमाया खुदा के मामले में मलामत का जो है वो ख्याल न करना कि मैं ये सच्ची बात करूंगा तो पता नहीं क्या बन जाएगा। लौमत लाइन, फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो हक बात को किया करते हैं और कभी भी मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं किया करते। जब हक बात आ जाए तो फिर उसको करना है। और चौथी वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर हाल में हक बात कहनी है, अगर चेक करने वाले को कहने वाले को कितनी कड़वी ही क्यों नहीं लगती। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु का ही जमाना था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने आकर के पूछा कि आज ज़कात इकट्ठी करने वाले जो हैं वो ज्यादा हमसे ले जाते हैं तो क्या हम कम शो करवा सकते हैं कि हमारी ज़कात कम बनती है थोड़ी बनती है। तो आप उसको वसीयत करते हैं ये काम नहीं करना, पूरा बताना है, पूरा दिखलाना है, ईमानदारी का सबूत और मजाहरा करना है। अगर वो तुमसे ज्यादा ले जाएगा तो कल अल्लाह की बारगाह में पकड़ के लाएगा और तुम्हारे पलड़े में वो नेकियां बन करके वो माल दाखिल हो जाएगा। उस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। किसी ने कहा कि आपको तो अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है कि बात नहीं करनी, ऐसी वैसी कोई फतवा नहीं देना आपने, तो कहने लगे अगर मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रखा हुआ होगा और मुझे हक बात कहने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा उससे पहले पहले मैं जरूर हक का डंका बजा करके रहूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे खलील, मेरे महबूब, मेरे मदनी आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि किसी मलामत वाले की मलामत की परवाह नहीं करनी, हक बात करनी है जितनी जिसको चाहो कितनी कड़वी क्यों ना लगती हो। फरमाया ये भी मुझे वसीयत की है। पांचवें नंबर पर फरमाया कि रिश्तेदारी को जोड़ना है, कता रहमी नहीं करनी, सिला रहमी करनी है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खताब फरमाया था जब मदीना पाक में तशरीफ लाए थे ना हिजरत के मौका पर, अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं आपने सबसे पहले आकर के जो वाज किया था वो यही था जो खुतबा अरशाद फरमा रहे थे, जो लोगों को वसीयत और नसीहतें कर रहे थे वो सबसे पहले यही थी। कौन सी चार बातों का आपने हुक्म दिया? फरमाया अफशुस सलाम, कायनात के लोगों सलाम को आम करो, अगर किसी को जानते हो तो फिर भी सलाम करो, अगर नहीं जानते तो गुजर रहे हो तो सलाम को आम करते हुए जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं जब हमने ये हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना था अपने महबूब से तो फिर हम बाजार में बगैर किसी जरूरत के ही निकल जाया करते, क्योंकि वहाँ पर रश होगा और इस अमर और इस हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने का मौका बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। सिर्फ इस वजह से हम जाया करते थे बाजार, नहीं तो बाजार तो सबसे बुरी जगह है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो फरमाया जो सलाम को आम करता है, मोहब्बत करता है, कल क्यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ा बुलंद होगा, अइनल मुतहाबुना बिजलाली, मेरे हुक्म को मानते हुए जो सलाम सलाम करते थे, मोहब्बत फैलाते थे, नफरत को काट परा फेंकते थे, फरमाया आइनल मुतहाबुना बिजलाली, आज लाओ वो मेरे सामने जो मेरे लिए मोहब्बत किया करते थे, आज मैं उनकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। छोटा सा काम है मेरे अजीज दोस्तों कि चाहते हुए ना चाहते हुए, जानते हुए ना जानते हुए, हम सलाम बुला करके चले जाएं, एक तो 30 नेकियों का इजाफा भी नामा अमाल में हो जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी भी मैसर आ जाएगी, मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर फरमाया अतीमुत्ताम,
भूखों को खाना खिलाना अपना मायार बना लो, अपनी आदत बना लो, भूखों को खाना खिलाना। बहुत सारे लोग जो हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ने आदत बना चुके थे, उस वक़्त खाना ना खाया करते जब तक किसी भूखे को अपने दस्तरखान की जीनत ना बना लिया करते। इसी तरह हजरत सैयदना खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहिम वो भी इस बात को लाजमी करार दिए हुए थे, अपने दस्तरखान पर जब भी खाना लगाते खाने के लिए तो किसी ना किसी गरीब को ज़रूर ढूंढ करके लाया करते थे। तो इसलिए फरमाया कि ये अल्लाह के नबी ने उस वक़्त खिताब फरमाया जब आप पहली दफ़ा मदीने में खिताब फरमा रहे थे। तीसरे नंबर पर फरमाया वसीलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, रिश्तेदारियों को जोड़ा करो, रिश्तों को तोड़ा ना करो, ये ना सोचा करो कि मुझे तो उसने फला वक़्त पे फला अजियत पहुंचाई थी, आज उसको काम पड़ गया है तो मैं नहीं करूंगा। हम लोग तो अल्लाह जानता है किसी को ज़रूरत पड़ जाए और काम आने की बजाय खुश हो रहे होते हैं, ये वही है ना कि मेरा काम नहीं किया था इसने यार, अब ज़रूरत पड़ी है, चीज़ भी है, ज़रूरत पूरी भी कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि ज़िद आ गई है, फला वक़्त में इसने हमारा साथ नहीं दिया था, बस भई आज हम भी नहीं देंगे। तो फरमाया ऐसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह से सिला रहमी ने ना दुआ मांगी कि अल्लाह मैं दुआ करती हूँ तुझसे कि जो मुझे जोड़े तो उसके साथ जुड़ जा, जो मुझे तोड़े तो उसको अपने साथ उसका नाता और रिश्ता जो है वो तोड़ दे। तो और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है कि अब जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह से अपना वो रास्ता जो है वो तोड़ रहा है, नाता जुदा कर रहा है, और जो रिश्तेदारी को जोड़ेगा वो रास्ता जो है अपना रिश्ता निभा रहा है उसके साथ नहीं बल्कि अल्लाह के साथ। इसलिए छोटे दिल का मजाहरा ना कीजिए कि ये तो काम आया नहीं मेरे कभी, मैं इसका काम क्यों करूं, फला वक्त में ये मेरी मुखालफत में था, अब मैं इसकी हमायत कैसे करूं। ना ना, हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना है, उसके अहकामात को मानना है। अल्लाह की कसम है कायनात का हर एहसान जिस पे किया जाए वो फर्द एहसान फरमोशी कर देगा, आपकी नेकी की कदर नहीं करेगा, लेकिन जो आप उसके लिए करोगे वो वहाँ वहाँ से क़यामत के दिन निकाल निकाल करके लाएगा आपकी नेकियाँ, आपकी वो फरमा बरदारियाँ कि आप भूल चुके होंगे और आप कहेंगे कि मैं तो इसको भूल चुका था आज ये काम। फरमाया वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, छोटी से छोटी नेकी होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालेंगे लाएंगे। हम तो भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं भूलता, अलीमुम बिजात सुदूर है, हर चीज को जानने वाला है और याद रखने वाला है। फरमाया सिला रहमी भी करनी है, ये मेरे दोस्त मेरे खलील मेरे महबूब मदनी आका करीम अली सलातो सलाम ने मुझे हुक्म दिया, वसीयत की थी। चौथे नंबर पर फरमाया कि अगर तुम रात को जब सारे सो जाएं उस वक़्त उठ जाओ और सिर्फ दो रकत ही नफल अदा कर लो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ बिला रुकावट दाखिल हो जाओ। चार काम मुख्तसर तरीन काम हैं करने में, अगरचे हम जो है वो मजाहरा कर दे सुस्ती का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सलाम को आम कीजिए आते जाते अस्सलाम वालेकुम, मसाकीन का साथ दें उनका ख्याल करें, जो रिश्ता नाता तोड़ता है उसके साथ निभाने की कोशिश कर ले, रात को अल्लाह तौफीक दे उठ कर के दो रकत ही पढ़ लीजिए कम अज़ कम। फरमाया कि अल्लाह की जन्नत के मेहमान बन जाओगे। इसी तरह फरमाया छठे नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसकी कसरत किया करो, आते जाते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, और अल्लाह के जिक्र के अंदर ला हौला, फरमाया ये अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है।
खजाना है आपके पास, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का अगर विर्द करते हैं, अल्लाह की कसम है, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 99 बीमारियों का अल्लाह ने इसके अंदर इलाज रख छोड़ा है, 99 बीमारियों का इलाज सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि अल्लाह किसी में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं है किसी भी काम की, सारी ताकतें तेरे ही लायक है, तू ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, कवि है, नामुमकिनात को मुमकिन बनाना तेरे बस में है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हैया अलस्सला हैया अलफला की जब आवाज़ें आती हैं तो उस वक़्त भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहिए इंसान को कि वो यही कहे हैया अलस्सला ला हौला वला कुव्वता, यानी आओ नमाज की तरफ, आता वही है जिसको वो ताकत और तफीक देता है, इसका ये मतलब है, सारे नहीं आ सकते, तो जो नहीं आया उसको सोचना चाहिए कि क्या बात है कि मेरा मालिक नाराज तो नहीं है, सबको तो आने की दावत दे रहा है, बुला रहा है, और मुझे उसने बुलाया नहीं, तौफीक नहीं दी, मेरा दिल नहीं किया, मेरे कदम नहीं उठे तो क्यों नहीं उठे, सोचना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, ये थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू जो थी आपके सामने हुई है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ही जलीलुल कदर सहाबा में थे, अल्लाह के नबी सलातो सलाम ख़ास प्रोटोकॉल दिया करते थे, बड़ी अजीम शख्सियत थी, आपका ख्याल रखा करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इस अबू ज़र का बड़ी मोहब्बत करते थे, इनको अल्लाह के नबी सलातो सलाम ने कुछ नसीहतें की थी, मस्कीनों का ख्याल रखना, कम दर्जे वालों को हमेशा देखना, और हर हाल में हक बात कहना, खुदा के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का ख्याल न करना, रिश्तेदारी को जो है हमेशा जोड़ना है, कोई तोड़ना भी चाहे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने जोड़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की कसरत करना, और अपने गुनाहों पर हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए, वअक़ूल क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।